Hello, hi everybody. My name is RJ Akriti from Red FM Mumbai, and this is time for my shameless set of questions. और ये वो सवाल है जो मैं जल्दी पूछना चाहती हूँ. मैं वो पूछ नहीं पाती हूँ अक्सर, इसलिए मैं चुनती हूँ लोग. अब डिसाइडेड कि ये सवाल जिनसे मुझे लगता है मुझे जवाब मिलेगा. नो, दैट्स नॉट कन्वीनियंट. आई जस्ट वांट टू हैव ग्रेट आंसर्स, दैट्स व्हाट इट इज. एंड आई नो आई एम गोइंग टू गेट अनअपोलॉजेटिक ग्रेट आंसर बिकॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी इज समवन हु कंप्लीटली एम्बॉडीज दैट, एंड शी इज नन अदर देन माय फेवरेट सुपरस्टार रॉक स्टार एब्सोल्युटली बिंदास एंड बेबा. यहां बसी. और मजे की बात ये डिस्क्रिप्शन आपने इसलिए दिया था कि मैं सच बोलूं और सच के सिवा कुछ ना बोलूं. हाँ, ये हमारा ना वो था कि हमने अपना पर्ची डाला था. इट्स वर्किंग. योर फर्स्ट किस एट व्हाट एज एंड हाउ वाज इट? एज 12. इट वाज यमी. यमी? आई डोंट नो हाउ. व्हाई? व्हाट डू यू मीन हाउ? व्हाई यमी? आई मीन वर यू गाइस एंड किसेस यमी? कभी ऐसा किया कि घर से मॉम डैड को बोला कि I'm going to sleep and you were out entire night and sneak back again and your mother or family doesn't know till date, sneak out? नो, एक्चुअली फुल नाइट नहीं किया, बट जब मॉम डैड नहीं थे तो स्नीक आउट करके पार्टी करने गई थी. पर चाचा ने पकड़ लिया था वापस आने के बाद, तो 1:30-2 बजे मतलब दैट वाज माय फर्स्ट नाइट आउट की पार्टी कर रही हूँ रात को. तो पर पकड़ लिया था और काफी डांट पड़ी थी. अच्छा, हैव यू डन समथिंग लाइक दिस कि किसी का कुछ बोरो किया और इतना अच्छा लगा कि भूल गया उसके बाद वापस करना, और याद भी आया तो छोड़ा के रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है. आई एम श्योर किया होगा, लेकिन याद नहीं आ रहा. आई एम श्योर किया होगा, सबने किया. नहीं मतलब जान के लाइक रखा है, पता है, रोज दिख भी रहा है और मन नहीं. नॉट रियली. नहीं 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 नहीं, नॉट रियली. मैंने किया. हां, मैंने किया. मेरे साथ लोगों ने बहुत किया है बाय द वे, जो आप कह रही हैं. ऑफ कोर्स, बिकॉज़ योर आउटफिट्स एंड एवरीथिंग मैं लेकर जाएगा, क्या ही रिटर्न. बहुत बार हुआ है कि मेरी चीजें गई हैं और वापस नहीं आई हैं, लेकिन मैंने नहीं किया ज्यादा. नहीं, मैंने किया. मेरी एक फ्रेंड का ड्रेस था, मैंने कभी वापस नहीं किया. रोज वो चिल्लाती मुझे वापस कर दे, मतलब द ड्रेस शाउट्स एट मी. मैं अपना खुद का सामान भूल जाती हूँ, दूसरों को क्या याद रहेगा. Have you stalked on someone to a dangerous level? I'm sure I have. Of course, I want to know the story. I'm not really run away. मेरे यार मत बताओ, ठीक है, कहानी बता दो. ऐसे कुछ होते हैं लोग यार, मतलब हमेशा ऐसा होता है ना, लड़के लोग कहते हैं कि लड़के नीचे आते हैं, हॉन हून मचाते हैं, करते हैं. I'm sure some ex-boyfriends or something, पक्की बातें किया होगा यार. नहीं, stalking level what? Like, नहीं, इंटरनेट स्टॉकिंग. इंटरनेट स्टॉकिंग? हाँ, मतलब पीछा पीछा नहीं किया. अच्छा, हाँ, एक्चुअली एक बॉयफ्रेंड था स्कूल में. हाँ. जिसका मैंने क्या, बेसिकली हमारा ब्रेकअप हो गया था और वो अमर कॉलोनी मतलब जहाँ मेरा स्कूल या कॉलेज था, तो मैं वहाँ पे किसी को ट्यूशन पढ़ाती थी. लाइक वो ट्यूशन ही मैंने इसलिए पढ़ानी शुरू की थी, मुझे पता था शाम को वो उस एरिया में आता था. तो मैं उसको पढ़ाने के बाद वो बहाने से कि पीछे मैं बंटा पीने जा रही हूँ व्हाटएवर, उसको देखते हुए जाती थी. तो वो मेरा एक स्टॉकिंग लेवल जरूर था. ब्लैंक कॉल्स मारे मैंने बहुत सारे. तो हाँ, डेफिनेटली इंटरनेट स्टॉकिंग तो छोटी है. वो उसको मैंने काफी स्टॉक किया था. वो तो कन्वीनियंट स्टॉकिंग है, मतलब उसमें तो मेहनत भी नहीं है. जो मतलब मुझे लगता है मेरे टाइम पे होती थी वो मेहनत था. फिर भी वो सॉलो करके उसको, वो भी मुझे देखता था, न्यू वेरी वेल कि मैं उसकी वजह से ही आ रही हूँ. इवेंचुअली वी गॉट बैक टुगेदर एंड देन वी ब्रोक अप अगेन एंड वी गॉट बैक टुगेदर वी ब्रोक अप अगेन, बट इट वाज वन ऑफ दोस. बट हाँ, स्टॉकिंग मैंने उसी को आई थिंक किया. उसी के लिए थोड़ी सी मेहनत. एक और स्टॉकिंग जो मैंने बहुत गंदी वाली करी थी, ये बहुत छोटी थी, जब 8th में थी. एंड दिस गाइज नाउ म्यूजिशियन इन द इंडस्ट्री. इनफैक्ट आई टोल्ड हिम व्हेन वी ग्रो अप एंड ही वाज ब्लशिंग कि मतलब नेहा वसीम ने मुझे स्टॉक किया बचपन में टाइप. वो बहुत ही क्यूट था, 8th में थी, वो 12th में था. उसको मैंने इतने ब्लैंक कॉल्स मारे मतलब कि मैंने ऐसे ब्लैंक कॉल 25-25-30 एक बार ऐसे हो गया था, स्टॉप कॉलिंग मी. सो या, सो ही इज अ वेरी गुड गिटारिस्ट नाउ इन द इंडस्ट्री, बट या उसको मैंने काफी स्टॉक किया बेचारे को. दिन थे वो भी क्या ब्लैंक कॉल्स, जब कोई कॉलर आईडी नहीं था. दिन थे वो भी. वो नहीं होता था फोन करके एक पिज्जा यहाँ एड्रेस पे भेज देते और नेबर के घर भेज दिया. ये भी बहुत किया तुमने. किया बहुत किया, भयंकर किया. I was quite a बदतमीज बच्चा, I'm not gonna lie. बहुत मस्ती करी मैंने.
Nice. Okay. कभी पापराजी बुलाई अपने लिए क्योंकि मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ? सब बुलाते हैं भाई, ये तो मतलब झूठ बोलेंगे लोग जो बोलते हैं कि मैं, इनफैक्ट मैंने तो ये डिस्कवरी 2018 में किया था कि सब पापराजी बुलाते हैं मैं क्यों नहीं बुलाती हूँ, लाइक यू नो माय पीआर टोल्ड मी कि हाँ डोंट यू नो दिस, एंड आई सेड नो, लाइक एवरीबॉडी गिव्स देम अ टिप, सो ऑल पीआर गाइस, एवरीवनस पीआर गिव्स एवरीवन अ टिप एंड दैट्स हाउ दे लैंड अप, बट द पॉइंट इज इफ यू आर इंपॉर्टेंट इनफ ओनली देन दे लैंड अप, तो वो बात भी है, मतलब ऐसा नहीं कि वो आ जाएंगे जस्ट बिकॉज आप बुला रहे हो. तो देयर समबडी आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड लाइक बुलाया मैंने था लेकिन वहां सेलिब्रिटी कोई और आ गया. ये भी होता है एयरपोर्ट में कभी, नहीं नहीं आप तो ठीक है लेकिन आपसे बड़ी सेलिब्रिटी बाहर आ रही तो सॉरी एफ यू हम उनका लेंगे. वो सब भी होता है पर आप इंडिया की बात करिए, प्रिंसेस डायना बुलाती थी, ब्रिटनी स्पीयर्स ने बुलाया, तो मतलब ये तो ठीक है, यू टिप देम ऑफ, हाउ विल दे अदरवाइज नो वेयर आर यू, सो एक टिप ऑफ होता है पर आप इम्पोर्टेंट है कि नहीं उस हिसाब से आते हैं. ओके, कभी एकदम व्हाट इज द मोस्ट चिंदियस चीपेस्ट लेवल ऑफ बार्गेन यू हैव डन, मतलब ऐसा लगा कि so I used to make my friends do it because I suck at it. मुझे ना मेरी वो वाली लुक है जो देखते लोग 100 रुपए एक्स्ट्रा मांगते हैं. अच्छा, okay. तो मेरे साथ उल्टा होता है, तो लोग, मेरी फ्रेंड जाती थी मेरे साथ तो वो बार्गेनिंग करती थी. सरोजनी, कहीं भी सरोजनी नगर, चोर बाजार या यहाँ पे अपना खार मार्केट में, मतलब किसी फर्नीचर खरीदना है, जब नए नए आए थे भैया भैया नहीं किया, भैया भैया भैया, इन सब चीजों में थोड़ी शर्म आती है, आई ड्रॉ द लाइन देयर. ओके, हैव यू एवर चीटेड इन एग्जाम्स? ऑफ कोर्स आई हैव. मुझे अपनी खुद की हैंडराइटिंग समझ नहीं आती, तो मैंने जब कभी फर्रे बनाए भी हैं मैं फेल ही हुई हूँ. मैंने शीट भी एक्सचेंज करी है, मेरे को एक टीचर ने हेल्प किया है, पूरा शीट पे आंसर्स लिख के मेरे को डाले हैं, मतलब बहुत ही हैंडसम टीचर थे वो, मुझे नाम भी याद है, मिस्टर रॉस्को आई थिंक. हाँ, तो ये हाँ मैंने चीटिंग करी है, मेरे से भी लोगों ने चीटिंग करी है, मतलब बहुत फीस. ये तो चलता है. Have you ever, okay, I love this question. Have you ever gossiped about celebrity clothing? क्या पहना है, क्यों पहना है? Of course I have. Everyone does. अच्छा, what is the most obnoxious piece of dressing you've seen recently? Don't take names, of course not. वो तो goes without saying. पर बहुत है यार, मतलब ये तो. अभी जो एकदम आँख को ऐसे चुभ के गया है, like याद है. OTT में बहुत लोगों को देखा है अजीब से obnoxious कपड़े पहनते हैं. ऐसे नहीं मन करता कि आ जाओ तुम्हें तैयार कर दूँ, सुंदर बना दूँ. मतलब लाइक तैयार कर दूँ, कंगी वंगी कर दूँ. एक्चुअली मैं एक ऑनेस्टली बात बोलूँ, आई एम अ बिट सेल्फ ऑब्सेसिव हूँ थोड़ी सी, मतलब मैं मना नहीं करूँगी, तो मैं अपने आप को ज्यादा देखती हूँ, दूसरों को कम देखती हूँ. जब मुझे कोई कुछ बोलता है तो तब मेरे अंदर की आग जो है जलती है दूसरों की तरफ, पर ऐसा लगता है ठीक है ये बुरे लग रहे हैं, अच्छी बात है मैं बेटर लगूंगी, मुझे ऐसा लगता है क्या फर्क पड़ता, यू मेक मी लुक बेटर. आई लव दैट आंसर, बट आई एम ऑनेस्टली आई एम अ लिटिल लेस जजमेंटल अबाउट पीपल्स क्लोथिंग, मैं आपको, लेकिन सच्ची अगर अपने मन की बात बताऊं तो मुझे लगता है यार ठीक है सबका अपना स्टाइल है. अगर मुझे कोई बोले तो फिर मेरे को लगता है, मुझे लगता है ठीक है यार जिसकी जितनी समझ है उतना वो पहन रहा है. देयर आर सम पीपल लाइक आई हैव सम फ्रेंड्स जो मतलब लिटरली पब्लिकली बोलना शुरू कर देते हैं, मेरे को लगता है मैं सर आगे कहीं छुपा लूँ, लेकिन ये इसने क्यों पहना है, उसको फिट नहीं हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा ना, लाइक बेब लाइक इट्स ओके, उसकी मर्जी है, उसको पहनने दे. तो वो है, तो बिकॉज मेरे बारे में लोगों ने बहुत जजमेंट्स पास करी हैं, तो मैं इस बारे में थोड़ी नॉन जजमेंटल अंदर से कभी कभी हंस लेती हूँ, बट कि क्या पहना है टाइप्स. फिर भी एज ऑफ समबडी हु इज मेड सो मच इनटू फैशन, यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, कॉन्शियस अलॉट एंड अप ऑन द गेम, व्हिच इज दैट वन काइंड ऑफ ड्रेस और प्रिंट जिसको देख के. मुझे ना एनीथिंग फ्रिली फ्रिली चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं, मतलब केक वाली. और कभी कभी मेरे को भी पहनाया हुआ ऐसा नहीं है कि मतलब जिस मेरे पास चॉइस नहीं थी कभी या व्हाटएवर, मतलब आई रिमेंबर झलक दिखला जा, मैं मेरे को ऐसे फ्रिल्स बनाए थे, एंड आई लुक लाइक अ क्रिसमस केक गॉन रॉन्ग और क्रिसमस ट्री गॉन रॉन्ग, ऐसा लगा था कि 6 बच्चे मेरे अंदर से आने वाले हैं अभी. तो आई फील लाइक वेमेन शुड स्टॉप वेयरिंग फ्रिल, बिकॉज वैसे ही हमारी बॉडी में, शरीर में काफ़ी मास है, उसके ऊपर हमको और मास क्यों चढ़ाना. तो टेंट और वो फिर वो जो एक लंबे जो है ना, जो सॉरी वुमेन बट जो गाउन भी नहीं है, जो क्या कहते हैं सलवार कमीज की वो भी नहीं है, कहते हैं ना लंबा चूड़ीदार जो पहनते हैं वो भी नहीं है, वो क्या है, या तो वो एक ड्रेस हो या वो एक सलवार कमीज हो या वो एक गाउन हो, बट ये क्या है. तो वो जो इंडो वेस्टर्न फैशन मेरे को समझ नहीं आता ज्यादा, और फ्रिल्स मुझे समझ नहीं आते, और वो जो शैंडलियर जैसे कपड़े होते हैं ना जो ऊपर से नीचे तक छक 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 लॉन्ग ए लाइन गाउन्स जो लोग शादियों में पहनते हैं, उससे मेरे को नहीं, आई फील लाइक इससे तो इंडियन अच्छा लगता है. यानी वेयर अ नाइस घाघरा चोली और अ नाइस साड़ी, और इफ यू आर वेयरिंग अ गाउन देन यू लुक लाइक अ रेड कार्पेट, लाइक ये बीच की भैंजीपन मुझे समझ नहीं आता. आई थिंक आई प्रॉब्लम विद भैंजी ड्रेसिंग, I think that's the only thing which pisses me off. मुझे भी बहुत कुंदक हो जाता है. I like proper bhanjis. हाँ, फिर full जाओ. Bhanji trying to be mod, I don't understand. No, you're right. I think I am only judgmental about that. Yeah. Okay.
Have you dated someone but loved someone else at the same time? Yes. That's how I broke up with them and moved on. What happened actually? But you're dating someone and you're in love with someone. So what did you do with the one you were dating and what happened? Eventually broke up and moved on. With the one you love. Yeah. Okay. I think it's a sign, right? Like, okay. थोड़ा टाइम आप झेल लेते हो फिर आपको लगता है नहीं मेबी इधर आई मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन और आई रियली लाइक दिस पर्सन सो इवेंचुअली आई मूव्ड आउट ऑफ दोस रिलेशनशिप्स ओके जब नहीं हुआ तो ओके वन लास्ट क्वेश्चन जो मुझे वरदान मिला है वरदान व्हाट डू यू थिंक अबाउट इनफिडेलिटी व्हाट डू एंड लव वर्सेस इनफिडेलिटी अगर ऐसी किसी सिचुएशन में कभी आप पड़ जाती हैं जहां पर यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस गाय एंड दिस इज वन चांस बट द पर्सन इज आल्सो लाइक फुल पावर It's gonna be that one. Wait, कहीं मिले किधर भी whatever. What would you do? Dangerous question. First of all, let me tell you that I think हम लोग जब छोटे होते हैं ना तो हम infidelity को बहुत black and white देखते हैं. I think as you grow up, you realize that we choose to be in monogamy or with somebody because it is what we know and it's also beautiful. क्योंकि अपने सिंगल डेज में मैं देख चुकी हूँ कि किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में और कितना हार्ट ब्रेक हो सकता है सो डेफिनेटली सिक्योरिटी ऑफ योर हार्ट एंड माइंड एंड सोल विद समबडी हु अंडरस्टैंड्स यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बट आई फील कि एज यू कीप ग्रोइंग अप आपके डिजायर्स कम नहीं होते आपकी लाइकिंग दूसरे लोगों के लिए कम नहीं होती है हाँ बढ़ जाती है कम नहीं होती है बढ़ जाती है आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर एट इन लाइफ आई मीन देयर वर टाइम्स आई फेल्ट नथिंग फॉर 10 इयर्स फॉर एनीबॉडी एंड देन सडनली यू माइट फील समथिंग एंड यू नो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि वी आर ह्यूमंस एंड नॉट हैव सच अ ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच टू लाइफ हैविंग सेड दैट आई थिंक इनफिडेलिटी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक दैट इट कॉम्प्लिकेट्स लाइफ एंड इट्स अवॉइडेबल कम्प्लीटली बिकॉज कॉम्प्लिकेट तो करेगी लाइफ फॉर श्योर क्योंकि समवेयर हमें मोरालिटी बहुत सिखाई गई है जो बात तो मुझे लगता है कि शादी से पहले कर लो लाइफ सड़ रही है कोई दिक्कत नहीं मोरालिटी मजा नहीं आ रहा नहीं मोरालिटी या सो दैट्स माई व्यू ऑन इट इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड आई थिंक मुझे एक और चीज लगती है यार कि रिलेशनशिप दो लोगों के बीच की बात है एंड आई थिंक वो वही होनी चाहिए दे शुडंट हैव अ पब्लिक ओपिनियन ऑन इट यू नो फैमिली थोड़ी इन्वॉल्व हो जाए ठीक है बट आई एम सेइंग सपोजिंग यू आर मैरिड और यू आर डेटिंग समबडी इट इज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर यार व्हाट इज योर कंफर्ट लेवल व्हाट इज नॉट बट इमेजिन इफ द सेम इनफिडेलिटी हैपेंस टू अस दैट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन यू आर बीइंग इनफिडेल कि वुड यू टेक दैट सेम बुलेट फॉर योर पार्टनर इफ यस देन वोट डू इट इफ यू गॉट दैट हार्ट उसमें आप इतना कुछ समा सकते हैं आई डाउट इट जो है नहीं उस हिसाब से यही क्वेश्चन है दैट्स द आंसर टू दैट क्वेश्चन परफेक्ट दैट वाज एब्सोल्युटली मजेदार थैंक यू सो मच नेहा इट वाज लवली आई हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू रेड एफएम सी यू सूनेस्ट विद मोर गानास मोर एक्शन मोर धमाल यस मोर पावर थैंक यू सो मच थैंक यू बजाते रहो